हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर की। तो देखिए, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट तरह के कंप्यूटर नेटवर्क कैसे होते हैं, उनकी टोपोलॉजी कैसे होती है, आपस में किस तरह कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर की। नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। देखिए, नेटवर्क इंटर या इसको शॉर्ट में एनआईसी भी बोलते हैं, एनआईसी कार्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को, पहली बात तो ये है कि इसको हम कई नामों से बुलाते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क अडाप्टर, नेटवर्क अडाप्टर, ठीक है। या इसको हम लैन अडॉप्टर भी कह सकते हैं, लैन आपको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क अडॉप्टर, ठीक है। और भी कई नामों से इसको जो है हम लोग बुलाते हैं। मेन जो इसकी फंक्शनिंग होती है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर की, वो क्या होती है कि पहली बात तो क्या है कि ये क्या है, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये एक फिजिकल कंपोनेंट है जिसको कंप्यूटर के अंदर असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो दिस इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो एनआईसी कार्ड है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कंप्यूटर है, ये एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, ठीक। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई दूसरा नेटवर्क है कई कंप्यूटर्स का, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, इससे जो है ये कंप्यूटर्स तो आपस में कनेक्टेड है, ये अपना एक नेटवर्क बना रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने कंप्यूटर को भी इस नेटवर्क से जोड़ना है, ठीक। तो आप जोड़ने का माध्यम जो भी है, जो भी आप केबल यूज़ कर रहे हैं, चाहे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल होगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, जो भी आप मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, उसको लाके आप कंप्यूटर में जोड़ेंगे, ठीक। तो जोड़ेंगे मतलब कहाँ जोड़ेंगे, तो वही चीज़ है कि कंप्यूटर में जहाँ पे ये एनआईसी कार्ड लगा होता है, इसको जनरली एनआईसी कार्ड बोलते हैं। तो इसी एनआईसी कार्ड में ये जो केबल आप बाहरी नेटवर्क से लाते हैं, इसके अंदर आप लाके जोड़ते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए किसी कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो इस कंप्यूटर को आप किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते। तो दिस इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ए कंप्यूटर विच इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड टू एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि इट इज़ बोथ एन ओएसआई लेयर एंड लेयर वन डिवाइस एंड लेयर टू डिवाइस। मतलब ये जो एनआईसी कार्ड है, ये दोनों, तो जैसे आपने ओएसआई लेयर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे इसको डाटा कम्युनिकेशन है, नेटवर्क का सब्जेक्ट आप में आएगा तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कई लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो एनआईसी कार्ड है, उसमें दो मॉडल भी होते हैं। अगर हम जो है नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, नेटवर्क, ये थोड़ा सा इस पर्टिकुलर टॉपिक से और एडवांस में जाके बात करें, अगर हम नेटवर्क के मॉडल की बात करेंगे तो दो मॉडल हम लोग जनरली फॉलो करते हैं। एक ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर इंटरफेस, और दूसरा होता है TCP/IP मॉडल, ठीक। ये जब कभी डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आपको पढ़ाएंगे, उसमें हम ये डिटेल में डालेंगे। आज आप ये समझ लीजिए कि ओएसआई मॉडल में क्या होता है, इसमें भी कई लेयर्स होती हैं, इसमें भी कई लेयर होती हैं। तो ओएसआई मॉडल में जो लेयर वन और लेयर टू, ठीक है। तो ये जो एनआईसी कार्ड होता है, इट इज़ बोथ एन ओएसआई लेयर वन, मतलब ओएसआई के लेयर वन में भी ये यूज़ होता है। लेयर वन मतलब लेयर वन कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। और लेयर टू में भी ये यूज़ होता है, ये कौन सी लेयर होती है, लेयर टू, डाटा लिंक लेयर, दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो ओएसआई मॉडल के दोनों लेयर में ये यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ बोथ एन ओएसआई लेयर वन एंड लेयर टू डिवाइस एज इट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू ए नेटवर्किंग मीडियम
एंड प्रोवाइड्स ए लो लेवल एड्रेसिंग सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ मैक एड्रेसेस। तो ये लेयर वन और लेयर टू दोनों लेयर की डिवाइस क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए, एक तो काम ये करता है कि ये फिजिकल एक्सेस देता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये फिजिकल एक्सेस देता, फिजिकल एक्सेस देता है, ठीक है, किस टू ए नेटवर्किंग मीडियम, टू ए नेटवर्किंग मीडियम। तो ये तो फिजिकल लेयर वाला काम हो गया। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए लो लेवल एड्रेसिंग सिस्टम। ये लो लेवल एड्रेसिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। और ये जब वो लो लेवल एड्रेसिंग की बात आ गई, तो ये तो हुआ मान लीजिए लेयर वन, फिजिकल लेयर का काम, और ये हो गया लेयर टू डेटा लिंक लेयर का काम। तो ये दोनों लेयर की डिवाइस है, यानी इस डिवाइस को दोनों लेयर में यूज़ किया, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसलिए ये दोनों लेयर की डिवाइस कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा ये क्या काम करता है? इट अलाउज यूजर्स टू कनेक्ट टू ईच अदर आइदर बाई यूजिंग केबल्स और वायरलेसली। यानी कि जो एनआईसी कार्ड है, जो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर है, ये यूजर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए अलाउ, भाई इसमें भी एनआईसी कार्ड होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। और मान लीजिए आपने कहा कि सर केबल नहीं, अगर हमें वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करना है, कोई केबल हम नहीं खींच रहे इनके बीच में, तो भी ये नेटवर्क एनआईसी कंट्रोलर का होना ज़रूरी है, ठीक। यानी कहीं भी अगर आप अपने कंप्यूटर को, आप अगर इसको किसी भी तरह से किसी नेटवर्क में जोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास आपके कंप्यूटर में ये नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर लगा होना चाहिए, एनआईसी कार्ड लगा होना चाहिए। उसके बगैर आप अपने कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है, एनआईसी कार्ड का, ठीक। तो ये तो हो गया नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में बात। अब एक जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है, वो हम यूज़ करते हैं मॉडेम। मॉडेम तो आज के समय में आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। जब जो लोग भी इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मॉडेम ज़रूर लगा होगा उनके पास, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या होता है कि मॉडेम, इसका नाम मॉडेम इसलिए पड़ा कि ये कायदे से ये मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों काम करता है। सॉरी, ये डिवाइस जो है दोनों काम करती है। इसीलिए इसको कंबाइंड रूप से मॉडेम कहते हैं। अब देखिए, इसमें बात यह आती है कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको थोड़ा ब्रीफली और जल्दी में समझ लीजिए आप, फिर आगे कभी कम्युनिकेशन के पेपर आएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कि ए मॉडेम कन्वर्ट्स द डिजिटल डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू ए कंटिन्यूअस एनालॉग वेव फ्रॉम द टेलीफोन सिस्टम इज डिजाइन टू डील विद मॉड्यूलेशन। द रीजन फॉर दिस इज दैट द टेलीफोन सिस्टम वॉज ओरिजिनली डिजाइंड फॉर द ह्यूमन वॉयस, दैट इज कंटिन्यूअस सिग्नल्स। द मॉडेम ऑल्सो कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द टेलीफोन नेटवर्क बैक इन टू डिजिटल दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो देखिए, अभी आप मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि मॉडेम क्या करता है। मॉडेम में एक है मॉड्यूलेशन प्रोसेस और एक है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन, डिजिटल डाटा जो कंप्यूटर से, देखिए आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक, ये आपका दूसरा कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर वन, और ये आपस में कनेक्टेड है किसके थ्रू? मॉडेम के थ्रू। ये लगा हुआ है मॉडेम। तो क्या होगा कि ये इस कंप्यूटर से जो डिजिटल डाटा आएगा इस मॉडेम के पास, वो उसको क्या करेगा? वो उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, ठीक, एनालॉग वेव्स में। और फिर मॉडेम इसको अपना जिस भी चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करना होगा,
कर देगा, या इसको आप एक क्लियर फिगर से आप ऐसे समझ सकते हैं, फिर आपको पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज कीजिए एक कंप्यूटर ये है हमारा, ठीक, दिस इज से हमने कहा PC1, और यहाँ पे कहीं दूर जगह पे ये PC2 रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड का है PC2। अब ये दोनों आपस में जो कम्युनिकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इससे कनेक्टेड है एक मॉडेम और यहाँ पे इससे कनेक्टेड है एक मॉडेम, ठीक है, दिस इज मॉडेम एंड दिस इज ऑल्सो ए मॉडेम, ठीक। अब क्या होता है कि मान लीजिए इसने कोई डेटा प्रोसेस किया PC1 ने, कोई काम किया और उसको भेजना है PC2 के पास, तो ये क्या करेगा कि कंप्यूटर से जो आउटपुट निकलेगा वो तो डिजिटल फॉर्म में होगा, मॉडेम क्या करता है उस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, और फिर इसको चाहे आप मीडियम के थ्रू, केबल्स के थ्रू, चाहे आप वायरलेस के थ्रू, ठीक है, चाहे जैसे आप ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव होता है दूसरे वाले मॉडम पे, ये दूसरा मॉडम क्या करता है, ये फिर से एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में दे देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है डिजिटल डाटा समझते भी हैं, प्रोसेस भी करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो डिजिटल टू एनालॉग आप कर रहे हैं ये हो गया आपका मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल कर रहे हैं फिर से यहाँ पे हो गया डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसका उल्टा हुआ, इस PC ने कोई डाटा भेजा तो यहाँ पे फिर डिजिटल टू एनालॉग होगा और यहाँ पे फिर एनालॉग टू डिजिटल होगा, तो यानी ये जो डिवाइस है मॉडेम, इसीलिए ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों काम करने में सक्षम होती है, क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड मॉडम हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड मॉडम जो है जनरली दो तरह के होते हैं, ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला तो ये है कि एन एक्सटर्नल बॉक्स दैट लिंक्स टू योर कंप्यूटर आइदर थ्रू ए सीरियल और USB पोर्ट, और एन इंटरनल मॉडम दैट इज प्लग डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। अब मॉडम जो है दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल मॉडम तो देखिए आज के समय में आप सब लोगों ने देखा होगा कि जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह हम लोग लगाते हैं तो साथ में ला के एक मॉडेम रख देता है, ठीक है, वो छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, बोलता है कि मॉडेम है, तो वो तो एक्सटर्नल मॉडेम हो गया। कुछ कंप्यूटर्स में या जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है हम इंटरनल मॉडेम भी यूज़ करते हैं, और इंटरनल मॉडेम कहाँ पे, वो अलग से कहीं नहीं रखे रहते हैं, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं, कंप्यूटर के पर हमारा जो PC है उसके मदरबोर्ड पे ही इंटरनल मॉडेम लगे होते हैं, ठीक है, तो ये दो तरह के मॉडेम यूज होते हैं। अभी क्या है कि जनरली काफ़ी टाइम से मॉडेम्स कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एट स्पीड्स अप टू 56 किलो बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, दिस वॉज ओके अंटिल ब्रॉडबैंड बिकेम अवेलेबल विच ऑफर्स 10 टाइम्स द स्पीड। हाउ, मतलब नॉर्मली जो है मॉडेम 56 के बिट्स पर सेकेंड की स्पीड पे अपना काम कर रहे थे और सब सही था, लेकिन जब से ब्रॉडबैंड इंटरनेट पिक्चर में आया है तब से, और ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या होती है, करीब करीब इसकी 10 टाइम्स होती है, तो हमें और हाई स्पीड मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो हाउ एवर मेनी पीपुल स्टिल हैव टू यूज 56 KB मॉडेम टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बिकॉज दियर लोकल एक्सचेंज हैज नॉट बी कन्वर्टेड टू ब्रॉडबैंड येट। मतलब अभी भी जैसे छोटे बड़े शहर तो सारे ही कनेक्ट हो गए हैं, छोटे शहरों में, टाउन्स में, या इवन यू कैन से विलेजेस में, अभी जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे अभी भी चूंकि जो एक्सचेंज है, जो टेलीफोन एक्सचेंज है, दे वो अभी भी 56 KBPS पे ही काम कर रहे हैं, इसलिए अभी भी ये मॉडम यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज जहाँ पे फास्ट ब्रॉडबैंड यूज़ हो रहा है वहाँ पे फिर आपको और हाई स्पीड मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब इसमें ये तो हो गया एक्सटर्नल, इंटरनल और मॉडेम क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें एक और स्पेशल टाइप का मॉडेम होता है दैट इज़ कॉल्ड वाईफाई मॉडेम, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी जो इसमें बताई जा रही हैं लेक्चर में।
अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।